ये लोग जो खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कलेक्ट्रेट के वटवृक्ष परिसर में, ये मथुरा और फरह विकास खंड के विभिन्न गांवों के हैं, सिरसा, तोश और कोटा आदि के। ऐसे करीब 450 से 550 लोग हैं जो एक कथित संगठन की ठगी के शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने, जिनमें इनके गांव के भी कुछ लोग सम्मिलित थे, शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से एक संगठन बनाया और इनसे ये कहा कि उस संगठन के वे अधिकारी हो गए हैं जिसमें कि कुछ पदों पर भर्ती होनी है। वे पद उन्होंने बताए, बेसिक ट्यूशन टीचर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी। उन पदों पर भर्ती के एवज में अलग अलग धनराशि इनसे उनके द्वारा ली गई, जैसे कि बेसिक ट्यूशन टीचर के एवज में इनसे 60 से लेकर 80 हजार रुपए तक लिए गए और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पद इन्हें बताया गया उसके लिए इनसे 2 लाख से लेकर 2 लाख 30 हजार रुपए तक वसूले गए और जो जिला शिक्षा अधिकारी का पद इन्हें बताया गया उस पर नियुक्ति के लिए इनसे 2.5 लाख रुपए तक की वसूली की गई। वास्तव में ये कोई पद नहीं थे, ये सिर्फ एक झांसा था। उस झांसे के तहत इनको कुछ माह तक इनके खातों में सैलरी भी भिजवाई गई, कुछ कार्य भी इनसे राजस्थान के अलवर आदि जिलों में कराया गया। जब इनके समक्ष उनका खुलासा हुआ तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, विभिन्न अभियोग उनके विरुद्ध दर्ज हैं। जो नामजद लोग हैं जिनके नाम बताए जाते हैं, सिरसा के जगदीश, तोश के रवि कुमार और कृष्ण मुरारी, बसई बुजुर्ग, शेरगढ़ के विक्रम सिंह आदि, उन मामलों में अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये जो लोग हैं, इन जैसे जो 450 से 550 लोग हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनके साथ हैं इनके अधिवक्ता जो मथुरा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, ठाकुर मदन गोपाल सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर? मथुरा जिले के सिरसा गांव के जगदीश सिंह, तोस गांव के कृष्ण मुरारी और रवि, एक विक्रम सिंह हैं। इन लोगों ने एक फर्जी संगठन बना के शिक्षा एवं कौन सा अनुसंधान वो बनाया है, विकास संगठन करके, उसमें भर्ती के नाम पे ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाले कि जिनको ज़रूरत है नौकरी करने की, हमारे यहाँ कुछ वैकेंसीज खाली हैं। तो इन लोगों को झांसा देकर पद के हिसाब से इनको पैसा बताया गया। BTT एक पद था, बेसिक शिक्षा ट्यूटर का, वो उसमें 60 हजार से 80 हजार रुपये तक जो भी था। एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी था, उसका 2-2.5 लाख रुपए। एक इनके जो अभियोग दर्ज हैं वो कहाँ कहाँ पर? तो वो इनने उस बात का पैसा दिया। इनका मुकदमा थाना वृंदावन के चौकी जयंत में और फरे में और रिफाइनरी में और बरसाना में, इन सभी जगह लगभग मेरे हिसाब से 2 दर्जन मुकदमे कायम हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ। दो दर्जन मुकदमे कायम हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने सिवाय आश्वासन के कोई काम नहीं किया है और थानों की पुलिस काम नहीं कर रही है। कप्तान साहब से हमें उम्मीद है, मोहित गुप्ता जी ईमानदार हैं, एक्टिव भी हैं, वो शायद इसमें इन लोगों की जो बेचारे ब्याज पे पैसे लेकर आए। आप लोग मिले हैं कभी उनसे? ये मदद मिल सकती जी, SSP से मिले हैं आप? नहीं, अभी तक नहीं मिले। वैसे हमने पहले जो थे साहब उनसे तो मिले थे, से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कराएंगे, फिर उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, आप लोग झांसे में कैसे आ जाते हो, बगैर जानकारी के पैसे कैसे दे देते हो? वो रिश्तेदारी के माध्यम से, यानी कि हमारे रिश्तेदार हैं, विश्वास तो रिश्तेदारी के नाम से होता है। और ये उन्होंने साइट दिखाई, MHRD से खुल रही है ये साइट, ये फर्जी नहीं है, ये ओरिजिनल है। और उसको भी देखा, एग्जाम भी कराया और जब सैलरी बंद हुई हमें मालूम पड़ा तो हम दिल्ली गए तो देखा तो ये कुछ नहीं है इनका, तो ये इन्होंने ही किया सारा पैसा। अच्छा, इन्होंने क्यों गए? इन्होंने वो इंटरव्यू करा रहे थे वहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैट ले लिए और कई फ्लैट लिए, गाड़ियाँ कहाँ पर, टैगमैन सिटी में और आनंद वन में। और कहाँ हैं वो फ्लैट और मथुरा? मथुरा में। अब हैं कहाँ ये लोग? अब ये फरार हैं सर, फरार हैं। मथुरा जिले में ही हैं,
और कोई अपनी ससुराल में पड़ा है और कुछ लोग तो यहाँ कचहरी थाने में। इन्होंने ये जो ठगी की है वो कुल कितनी की है, करीब करीब आपसे पूछूं? करीबन 2.5 करोड़ के लगभग है ये ठगी। करीबन 2.5 करोड़ के लगभग। अच्छा, काफी लोग तो बैठ गए अपने घर पर। हाँ जी, आप लोग हैं जो अभी तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई हो? सर, कम से कम 1 साल होने को आ गई है। तो लोग उनके घर पे सिरसे गांव में कई बार पंचायत भी हो चुकी है वहां पर, तो करीबन चार बार पंचायत हुई है। तो वो तो जो हैं जगदीश है, रवि, विक्रम वगैरह, ये तो वहाँ पंचायत में आते नहीं हैं। इनके परिवार वाले हैं वो हमें मिले और उन्होंने पैसे को स्वीकार भी किया है कि हम आपका पैसा भी देंगे, आश्वासन भी दिया था, परंतु आज तक कोई लेने देने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। परंतु एक बार जब लास्ट में जब आया जगदीश आया तो उसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा और आपको झूठे मुकदमे में और फंसा दूंगा, इस तरीके की बातें करने लगा वो। और कई बार बात और है। हाँ जी, और आप लोग क्या चाहते हैं बताइए आप? मेरे साहब लड़का और बहू दोनों लगाए थे अलवर। हाँ। और उनकी 3 महीने ही सैलरी आई है, फिर बाकी बाद में कुछ नहीं आया है। हाँ। और मेरा लड़का PNC कंपनी में रोड बनाती है, उसमें नौकरी करता था, मैंने पास में आ जाएगा 500 किलोमीटर। नहीं, आप लोग अब क्या चाहते हो? हमें न्याय चाहिए, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। अच्छा, अपनी धनराशि नहीं चाहिए? आप धनराशि भी तो चाहिए, वो तो कोर्ट दिलाएगा, पहले तो गिरफ्तार तो हो। पुलिस तो हमारी सुनी नहीं रही है, हमें तो SSP साहब से उम्मीद है। अगर जी सही नौकरी हो साहब, नौकरी चाहिए। CEO साहब से मिल गया है, कल CEO साहब से मिला। कौन से CEO साहब से? CEO सदर। CEO सदर जी। अच्छा, आलोक दुबे जो हैं महिला हैं अधिकारी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ, देखेंगे, आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया? आपने कभी पता किया है कि आपके जो अभियोग दर्ज हैं उनमें क्या कार्रवाई चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हो? नहीं, अब हमको फाइनल रिपोर्ट तो नहीं लगाई गई है, हमने पता किया था, बट आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। किन धाराओं में दर्ज हैं आपके रिपोर्ट्स? 420, 467, 68, 471 जी। और अन्य लोग क्यों नहीं आते हैं सर? क्या करें, 1 साल से बेरोजगार है, किराए के लिए पैसे भी नहीं है पास। अच्छा, कुछ लोगों को धमका रखा है, बंदूकें दिखाते हैं हमको। तो हमारे जो गांव वाले हैं वो एक सभी लोग मथुरा के ही हैं जी, या अन्य जिलों के भी हैं? भरतपुर के हैं और आगरा से भी हैं, कुछ भरतपुर से भी हैं काफी लोग। ज्यादातर मथुरा के? ज्यादातर पीड़ित मथुरा के। तो ये थे वे पीड़ित जो एक कथित संगठन की ठगी के शिकार हुए। इनके अनुसार करीब 450 से 550 लोग इस संगठन के शिकार हुए हैं, जिसके द्वारा करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। उसमें से कुछ धनराशि वेतन के रूप में इनको खातों में भी भेजी गई है, लेकिन जो इनको नौकरी दी गई है उसका कुछ अता पता नहीं है। बिल्कुल इनके साथ फ्रॉड किया गया है, तमाम अभियोग दर्ज हैं 2 दर्जन के करीब विभिन्न थानों में। ज़्यादातर जो ठगी के शिकार लोग हैं वो मथुरा के हैं, आगरा के भी हैं, कुछ भरतपुर के हैं। अभियोग दर्ज हुए कई माह हो चुके हैं, साल भर होने को आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इनका यही कहना है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं या कि जो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनके मामले का संज्ञान लें और इन्हें न्याय प्रदान कराएं। नियो न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।